हाँ भाई, तो क्या हाल है? तो चलो देखते हैं, आज अगर तुम क्लास टेंथ में हो, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, तो तुमको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से अब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मान लो अगर तुम इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, अगर तुम इंग्लिश मीडियम में हो और एक हिंदी मीडियम, दो होते हैं भाई, सिंपल, हर एक बोर्ड में होता है, ये यूपी बोर्ड में भी इंग्लिश मीडियम होता है और सीबीएसई में तो होता ही है, ठीक है। तो अब सीबीएसई में भी हिंदी होता है, तो अब आप देख सकते हो ये इस तरीके से है। लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो किस तरीके से पढ़ोगे? देखो भाई, ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर क्या चलता है, सिंपल बिल्कुल मिक्स भाषा चलती है हमारी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स होती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो कुछ भाषा जो शब्द हैं वो मैं इंग्लिश के इस्तेमाल कर रहा हूँ और कुछ शब्द जो है वो हिंदी के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तुम भी जानते हो। तो अगर तुम इस, तुम्हें बेनिफिट किस में होगा, देखो भाई मैं हिंदी को हमेशा से सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश को भी अनसुना नहीं कर सकता यार, क्योंकि अब हमारे देश में इंग्लिश का भी बहुत महत्व हो रहा है, तो करेंगे भी क्या। तो अब आपको बता देते हैं कि इंग्लिश में अगर तुम पढ़ोगे तुम्हें फायदा जरूर होगा, क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश में जब पढ़ोगे, इंग्लिश मीडियम की लेक्चर मेरे देखोगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हिंदी, ठीक है, हिंदी रहेगी और प्लस इंग्लिश रहेगी, मतलब समझ रहे हो क्या, जो आपका मतलब यहाँ पर डिफिनीशन होगी वो ऑब्वियसली सी बात है इंग्लिश में रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको समझाऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स रहेगी, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, और जो हिंदी में रहेगा उसमें क्या होगा, वो केवल हिंदी रहेगा। तो मैं देखो किसी भी सब्जेक्ट के अब आपको लेक्चर अगर दूंगा तो मैं दो वीडियो उसके बनाया करूंगा, पहला इंग्लिश और हिंदी दोनों, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, दूसरा हिंदी मीडियम वालों के लिए, और तुम्हें दोनों लेक्चर देखने हैं ताकि तुम्हें आराम से समझ में आए, क्योंकि आगे चल के तुमको इंग्लिश ही पढ़नी है और हिंदी को भी अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर इंग्लिश पढ़ते हो तो अभी से तुम्हारी इंग्लिश भी मजबूत होती जाएगी। तो तुमको यही करना है कि ये वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों को देखना है, और वो लेक्चर केवल हम ही देंगे आपको, ठीक है। मतलब आपको जो जो सब्जेक्ट के चाहिए अब आप बता सकते हो। लाइक मैं आपको बता दूं कि आपको मैं जैसे साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, साइंस आपके इंग्लिश में पूरा होगा और हिंदी में होगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा, ठीक है, दोनों के लिए लेक्चर मिलेगा। और जैसे मैथ का, इसमें कोई लैंग्वेज होती नहीं वैसे, लेकिन कुछ वर्ड हैं जो इंग्लिश में ही आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है, अगर इंग्लिश में याद करते हो तुम्हें आगे चल के फायदा होगा, आईआईटी जेई नीट में अगर तुम जाते हो तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें फायदा होगा। तो मैथ जो है वो इंग्लिश में ही आप पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन हिंदी में भी हम आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लेकर आएंगे कि हिंदी में भी आपको बताएंगे, मतलब वही क्वेश्चन को हिंदी में बताएंगे, एक वीडियो आएगी हिंदी के लिए, एक वीडियो इंग्लिश के लिए, तो जिसमें तुमको इंटरेस्ट है वो देख सकते हो। सीबीएसई वालों के लिए भी इसमें काम में आ जाएगा, क्योंकि अब हम पूरी तरीके से बदल रहे हैं, हमारा भारत बदल रहा है, तो ये हो जाता है। बस ये दो आपके सब्जेक्ट जो हैं वो मेन हो जाते हैं, और हिंदी तो आपकी हिंदी में ही रहेगी, इंग्लिश बाकी इंग्लिश में ही रहेगी, तो उसमें आपको प्रोनाउन ये सब जो नाउन्स ये सब सीखने पड़ते हैं ताकि तुम इंग्लिश बोल सको। देखो भाई, वो रटने वाली चीज़ नहीं है, वो क्या है कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि तुम कहाँ पर प्रयोग करते हो, और इंग्लिश तुमको पढ़नी है तो बताओ मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर फोकस यही दो सब्जेक्ट पर देखते हो करता हूँ, लेकिन इंग्लिश भी मैं आराम से आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ाता था क्योंकि मेरा मानना था मैं हिंदी को सपोर्ट करूँ, लेकिन यार अब करें भी क्या, अपने इंडिया है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट जो है, दोनों भाषा जो है, दोनों लैंग्वेज जो है वो मतलब मिक्स है, तो अब हमको इंग्लिश भी मतलब स्वीकारनी पड़ेगी एक प्रकार से, तो अब इंग्लिश भी आपको पढ़ाया करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम मतलब अपने पढ़ाई जारी कर सकते हो। जैसे अब सोशल साइंस है, सोशल साइंस हिंदी में, देखो कोई भी यूट्यूब में आप देखोगे चैनल, ज़्यादातर इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे, तुमको समझ में नहीं आएगा, नाउ वी आर स्टार्टिंग टू द, नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं और इंग्लिश डिफिनीशन है उसको समझा रहे हैं हिंदी में, तो आराम से तुम समझ जाते हो। इंडिया में यही होगा, इसीलिए हम लोगों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, मतलब दूसरे देशों से, जैसे हमारे यूएस ले लो, वहाँ पर केवल इंग्लिश में बोला ही जाता है और इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। जैसे अभी हमें हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं और हिंदी में कोई समझाता है तो हम समझ लेते हैं, लेकिन वहीं पर इंग्लिश में अगर ट्रांसफर करना होता है दिक्कत तो होती है, लेकिन अब करें भी क्या, मिक्स करना ही पड़ेगा, है ना, ये हमें स्वीकार नहीं पड़ेगी, हर जगह यही चल रहा है, यही चल रहा है। मैं सोचा कि यार इसको हटवाएं, लेकिन ये अब नहीं हटेगा, देखो यार, ठीक है, हमें लग रहा है, देखेंगे आगे होता क्या, लेकिन अभी फिलहाल अपने को इन सब चीजों पर फोकस करने पड़ेंगे। तो सोशल साइंस हो गया आपका, इंग्लिश इंग्लिश में रहेगा, मैथ रहेगा आपका, और कोई एक आप ले सकते हो अपनी हॉबीज के अनुसार, संस्कृत, या देखो इंडिया में यार मतलब मैं एक छोटे से ही बच्चों को बहुत सारी भाषाएं सिखाई जाती हैं जो कन्फ्यूजन में लाती हैं बच्चों को,
तो ये सारी चीजें हैं जो कि मुझे आपको बताना था। आई होप तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब रेगुलरली लेक्चर आएंगे, जैसे अभी मैं ये लिखा हूँ एसिड बेसिस एंड साल्ट, ये क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण, जो आपका चैप्टर है क्लास 10 चैप्टर नंबर 2, उसकी वीडियो जल्द में लाने वाला हूँ, उसकी शूटिंग अभी चल रही है। बहुत ही मस्त वीडियो आएगी, बिल्कुल आराम से समझाएंगे, जैसे हमको दिक्कत होती थी हम आपकी बातों को समझते हैं उसी तरीके से तुमको समझाएंगे, ताकि तुम्हें दिक्कत आगे चल के ना हो। तो चलो अब आगे हम पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।